नाउ आप ठीक है? ऑल क्लियर। प्रणाम प्रणाम अनुज। हेलो लीना। ओके कूल। सो आज तो जूम ने हमें रुला दिया। ठीक है, लिटरली जूम ने हमें रुला दिया, और जीमेल ने भी। जूम में नहीं दिक्कत थी आई थिंक। अब पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, बट ये चीज अपने को समझ में आ गई कि टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा जो डिपेंड हम लोग होते हैं। ओके 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 एक चीज ये भी समझ में आ गई कि टेक्नोलॉजी पे इतना डिपेंडेंस कैसे आपको एक टाइम पे पैरालाइज कर सकता है। सो हम लोग का तो चलो छोटा मोटा है, हम लोग का इतना तो कोई इशू नहीं है, बट जो बड़े लेवल पे चीजें होती हैं वो कितनी ज्यादा इतने में हिल जाती होंगी। तो सोच के भी मतलब बड़ा अजीब लगता है। खासकर सोचो हवाई जहाज उड़ रहा है, किसी का ऑपरेशन चल रहा है, कहीं पे न्यूक्लियर कुछ हो रहा है, और उसमें कुछ वैसे प्रॉब्लम आ जाए तो गॉड नोज आगे क्या हो सकता है। स्टॉक मार्केट में उथल पुथल। हाँ एग्जैक्टली। सो आई थिंक ओवर डिपेंडेंस ऑन एनीथिंग रियली 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 बैड। ओके मोर और लेस आई थिंक मैं कुछ ज्यादा ही बड़ा दिख रहा हूँ यहाँ पे समय। चलो आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आज पूरा क्रिस्टोलर का खत्म कर दें, क्रिस्टोलर का जो थ्योरी थी वो खत्म कर दें। सो क्रिस्टोलर भाई साहब जो हैं, जिन्होंने थ्योरी रखी, बहुत ही अपने टाइम की पॉपुलर थ्योरी थी, क्योंकि इन्होंने कई आयाम कई डायमेंशंस को एक साथ अपने में रखा। जो प्रॉब्लम उस समय आ रही थी बाकी थ्योरीज में, इन्होंने उस चीज को हटाया। कैसे हटाया? सबसे पहले इन्होंने कुछ अजम्पशंस को सामने रखा। आइसोट्रोपिक, रैशनल मैन, इकोनॉमिक मैन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, वो वाली सारी बातें रखी, और साथ में एक नया फिर थ्योरी देने की कोशिश करी कि कुछ चीजें हम रोकते हैं, मान के चलते हैं इंसान केवल और केवल सोल प्रॉफिट पे काम कर रहा है, और उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो रखा है, आइसोट्रोपिक सरफेस है, कोई भी तरीके की रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉयल वेरिएशन नहीं है, पूरी की पूरी फ्लैट है। तो इन्होंने कुछ टर्म्स बोले, उन टर्म्स को कल हम लोग ने सबने समझ लिया था। थ्रेशोल्ड था, सेंट्रैलिटी थी, सेंट्रल प्लेस था, सेंट्रल प्लेस फंक्शन था। तो इसको हम लोग ने समझने की कोशिश करी थी, और अलग अलग एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने ये सब चीजें आप लोग को समझाई थी। अब हम लोग इनकी कोर थ्योरी पे जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो अब जो थ्योरी आ रही है इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इन्होंने बेसिकली क्या किया था, इन्होंने बोला कि हम लोग तीन चीजें देखेंगे, तीन चीजें देखेंगे, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन। तो इन्होंने माना कि शहर के ये तीन इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रांसपोर्टेशन। इसमें इन्होंने बोला कि क्या लेवल आप मैक्सिमम रख सकते हो। क्या लेवल रखने का क्या मतलब है? लेवल रखने का ये मतलब है, जैसे आप लोग ने कल एग्जाम्पल देखा था इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें हम लोग ने छह हायरार्की बनाई थी ना, छह लेवल थे उसमें, छह लेवल। सबसे पहले थे नेशन, फिर स्टेट, फिर कैपिटल, ऐसे करके था, नीचे तक ले गए थे, तो छह थे। तो ऐसे ही ये हायरार्की है। तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन को बेस्ट अच्छा काम करना है तो छह इनके अकॉर्डिंग हो रहा है, मतलब ये इंडिया के अकॉर्डिंग। सो ऐसे ही इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोला, इन्होंने मार्केटिंग के लिए बोला, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बोला कि सबसे एफिशिएंट हायरार्कियल लेवल की अगर बात करी जाए तो ये नंबर होगा, ये नंबर होगा, ये नंबर होगा। ये इन्होंने दे दिया था कि अगर आप इससे इस इतने पे अगर अपना हायरार्की रखते हो, तो आपका जो पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मार्केटिंग सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है, बहुत अच्छा और एफिशिएंट वर्क करेगा। आपके रिसोर्सेज जो है अच्छे से यूटिलाइज होंगे, वेस्टेज नहीं होगा। ये इस इंसान ने बोला, सामने रखा। सो अब जो हम लोग बात करेंगे, सो अब जो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे वो बेसिकली बात करेंगे कैसे इन्होंने नेस्टिंग पैटर्न दिए। अगर आप में से किसी ने खुद से क्रिस्टोलर की, थैंक यू, खुद से क्रिस्टोलर की थ्योरी किसी ने पढ़ी होगी तो आपने जरूर ये नेस्टिंग पैटर्न देखा होगा। हेक्सागनल शेप का होता है, हेक्सागनल शेप का होता है, ये नेस्टिंग पैटर्न है इनका। ठीक है, अब इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो ये तीनों समझ लेंगे, क्रिस्टोलर की थ्योरी अपने को समझ में आ जाएगी, थोड़ा हम लोग इवेल्युएशन देख लेंगे, क्रिटिसिज्म देख लेंगे क्रिस्टोलर की थ्योरी का। बेसिकली क्रिटिसिज्म क्या होगा
कि ये नॉर्मेटिव थ्योरी है, नॉर्मेटिव थ्योरी है, रियल लाइफ में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इंसान अपनी चॉइसेस, अपना जो बिलीफ है उसको छोड़ दे और बिल्कुल रैशनल हो जाए, ऐसे होता ही नहीं हो। इंसान की चॉइसेस, उसके बिलीफ, फेथ काम आते हैं कहीं ना कहीं, वो उसके डिसीजन को इफेक्ट करते हैं मोर और लेस। तो ये इसका क्रिटिसिज्म हम लोग देख के ये फाइनली कर देंगे समाप्त। तो इस तरीके से हमारा जो ये सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला पार्ट है ये खत्म हो जाएगा। तो जब ये सेटलमेंट ज्योग्राफी वाला पार्ट खत्म हो जाएगा तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना, हम भी कुछ क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम जियोमॉर्फोलॉजी स्टार्ट करेंगे। तो जियोमॉर्फोलॉजी जो स्टार्ट करेंगे हम, वो स्टार्ट करेंगे 21 तारीख को, क्योंकि एक दो लोग हैं वो शायद ज्वाइन करेंगे, तो 21 तारीख को स्टार्ट करेंगे। तो जितना जल्दी ये कवर कर सकते हैं कवर कर लेंगे, तब तक आपका गैप रहेगा, क्वेश्चंस हम आपको देते रहेंगे जो इससे रिलेटेड, आप लोग आंसर राइटिंग करते रहिएगा। ओवरऑल अनुज, ओवरऑल ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल सारे आपके जो बिलीव, हाँ, रिवीजन हो जाएगा, किसी का कोई लेक्चर छूटा हो, कुछ भी हो, तो आप हमसे बात कर सकते हो, वीडियो भी हम दे देंगे अगर कोई किसी का कुछ छूटा हुआ होगा तो, ठीक है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। चलिए, सो कल हम लोग ने कंपोनेंट इसके ढेर सारे देख लिए थे, रेंज तक आई थिंक मैंने लिखा दिया था। तो जरा आज कुछ बातें लिखिए, एक हल्की सी समरी लिखिए, समरी अभी तक जो आपने बातें लिखी हैं उसकी समरी लिखो जल्दी से। ये जब समरी आप लोग कभी भी आगे जाके पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा सीन क्या है। समरी लिख लो, समरी, क्योंकि इससे पहले ये सब सारी चीजें आप लोग ने लिखी ना, थ्रेशोल्ड, रेंज, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, सेंट्रल प्लेस फंक्शन, राइट। तो समरी लिख लो, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। 8 पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स। पहला पॉइंट लिखिए, पहला पॉइंट, अ सेंट्रल प्लेस इज अ सेटलमेंट। A central place is a settlement. Next, every settlement is a central place. Every settlement is a central place. दोनों ऊपर एक को, one or two point एक ही है, लेकिन तब भी second वाला ज़्यादा broad है. Every settlement is a central place. Next, third point, central place बोल लूँ मैं या फिर मैं उसको सेटलमेंट बोल लूं, तो वन और टू अगर आपको समझ में आ गया तो ये तीसरा अपने आप समझ में आएगा। सेंट्रल प्लेस या सेटलमेंट डिफर्स इन टर्म्स ऑफ देयर हायरार्की। जैसे लखनऊ है, उन्नाव है, कानपुर है, बनारस है, राइट, गोंडा है, बहराइच है, बाराबंकी है, तो हर कोई ये सब क्या है, सेंट्रल प्लेस है, हर कोई सेटलमेंट है। लेकिन ये डिफर कैसे करेंगे, ये डिफर उनके हायरार्की पे करेंगे। अभी हायरार्की डिपेंड करती है कैसा उसका सेंट्रल प्लेस फंक्शन है। तो जरा ये पॉइंट लिखिए जरा, सेंट्रल प्लेस या सेटलमेंट डिफर्स इन टर्म्स ऑफ देयर हायरार्की, इन टर्म्स ऑफ देयर हायरार्की। नेक्स्ट पॉइंट, every central place perform many activities but the highest level of function offered is known as central place function. Central place function. Next, fourth point. Nahin, fifth point. Fifth
हायरार्की इज डिसाइडेड बाय, हायरार्की इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल प्लेस फंक्शन. नेक्स्ट सिक्स पॉइंट, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, द एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल प्लेस इज कॉल्ड इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एरिया. कॉम्प्लीमेंट्री एरिया. सेवेंथ पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इज सर्कुलर. कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इज सर्कुलर. क्यों सर्कुलर है? बिकॉज ऑफ अजम्पशन ऑफ आइसोट्रोपिक सरफेस. लास्ट पॉइंट, साइज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, साइज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इज डिसाइडेड बाय, कितना बड़ा साइज होगा कॉम्प्लीमेंट्री एरिया का काउंट कैसे डिसाइड होगा? इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल प्लेस फंक्शन. सेंट्रल प्लेस फंक्शन एंड इज देयर फोर, एंड इज देयर फोर रिलेटेड टू हायरार्की ऑफ द सेंट्रल प्लेस दैट इज नोन एज सेंट्रैलिटी. अब आप लोग एक बार पूरे के पूरे 8 points पढ़ो आप लोग, तो पूरा मिक्स और सम कर दिया गया है अभी तक जो आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़े. पहले एक बार पढ़ लो सारे पॉइंट्स. आस लिख लिया. ओके सो क्या है अब आप लोग पढ़ो, पॉइंट्स पढ़ो. अ सेंट्रल प्लेस इज अ सेटलमेंट. एवरी सेटलमेंट इज अ सेंट्रल प्लेस. सेंट्रल प्लेस या सेटलमेंट डिफर्स इन टर्म्स ऑफ देयर हायरार्की. एवरी सेंट्रल प्लेस परफॉर्म मेनी एक्टिविटीज बट द हाइएस्ट लेवल ऑफ फंक्शन ऑफर्ड इज नोन एज सेंट्रल प्लेस फंक्शन. द हायरार्की इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल प्लेस फंक्शन. जिसका जो सेंट्रल प्लेस फंक्शन होगा उस हिसाब से उसको हायरार्की पे रखा जाएगा. एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ सेंट्रल प्लेस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एरिया. कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इज सर्कुलर. वाई सर्कुलर? बिकॉज ऑफ द असम्पशन ऑफ आइसोट्रोपिक सर्फेस. और यही डिपिक्शन सर्किल ही डिपिक्ट कर सकता है उसको प्रॉपरली, क्योंकि वो रेडियस से सारा डिस्टेंस सेम रहता है, एक डिस्टेंस पे रहता है. साइज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया इज डिसाइडेड बाय सेंट्रल प्लेस फंक्शन एंड इज देयरफॉर रिलेटेड टू हायरार्की ऑफ द सेंट्रल प्लेस दैट इज सेंट्रलिटी. ये हो गए 8 के 8 पॉइंट आपके, जो कि हमने जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उनको यहाँ पे समड अप कर दिया गया है, समरी बना दी हम लोग ने. तो अब ये थ्योरी में अगर बात करी जाए, ये थ्योरी क्या बताती है, ये थ्योरी हमें क्या बताती क्या है? तो सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज अबाउट हाउ अ सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स, हाउ अ सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स कैन बी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड. एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड का क्या मतलब है? हमारा प्रॉफिट भी होना चाहिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन उस पर्टिकुलर सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स से. इकोनॉमिक बेनिफिट्स होने चाहिए. इकोनॉमिक बेनिफिट्स किनका किनका? इकोनॉमिक बेनिफिट्स बायर का भी होना चाहिए और सेलर्स का भी होना चाहिए.
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, द सिस्टम शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेटिव, द सिस्टम शुड नॉट बी एक्सप्लॉयटेटिव फॉर ईदर बायर और सेलर, बायर और सेलर। सो अगर ये ऐसा कुछ होना है तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? अब थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है, अब थ्योरी स्टार्ट हो चुकी है और अब आपका कोर शुरू हो गया है। तो अभी तक ये सब माहौल बना रहा था, अभी ये सब माहौल बनाया जा रहा था कि सो दैट यू पीपल कैन बेटर अप्रिशिएट, बेटर अंडरस्टैंड व्हाट इज सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज ऑल अबाउट। सो सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज अबाउट हाउ अ सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स बी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज्ड, जिसका मतलब है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, चाहे वो बायर हो सेलर हो, और किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, सम ऑफ द नेसेसरी कंडीशन क्या है इसके लिए, फॉर दिस टू हैपन सम ऑफ द नेसेसरी कंडीशंस आर, पहला रेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेस, रेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेस शुड बी इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, शुड बी इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। रेंज जो है गुड्स एंड सर्विसेस की, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एरिया के बराबर होनी चाहिए। नेक्स्ट, द थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन, द थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन शुड बी विद इन द कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, द थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन शुड बी विद इन द कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। नेक्स्ट, हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस मस्ट ऑल्सो ऑपरेट, अभी समझाते हम, मस्ट ऑल्सो ऑपरेट एज लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, मान लो एम्स है, दिल्ली का एम्स है। सो दिल्ली के एम्स में मान लो कोई आता है हार्ट ट्रांसप्लांट कराने, कोई आता है किडनी ट्रांसप्लांट कराने, कोई आता है कैंसर का ट्रीटमेंट करवाने। सो ये क्या है? ये हायर ऑर्डर फंक्शन है, एम्स का हायर ऑर्डर फंक्शन। लेकिन आप लोग बताओ, यहाँ पे दूर दराज से सब आते हैं ये कराने, ए रीजन से आ रहा है, कोई बी रीजन से आ रहा है, कोई सी से आ रहा है, कोई डी रीजन से आ रहा है, दूर दराज से आ रहा है। लेकिन एक बात, क्या अगर कोई दिल्ली के आसपास का निवासी है, दिल्ली के आसपास का निवासी है, उसको फीवर हो गया है, तो क्या वो यहाँ नहीं आ सकता है? आ सकता है कि नहीं आ सकता है? एम्स में अगर उसको फीवर का इलाज कराना है तो एम्स में आ सकता है? जी हाँ। तो फीवर देखो और ये सारी चीजें देखो, तो फीवर उस इस रिस्पेक्ट में क्या है, लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस है। लेकिन तब भी एम्स फैसिलिटी दे रहा है, इट मींस हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस मस्ट आल्सो ऑपरेट एज लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस। इसको ये करना ही पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना है कि फीवर का अगर इलाज कराना है तो इसको बाहर जाना पड़ेगा, नहीं, वो यहाँ पे आ सकता है क्योंकि एम्स सारी तरीके की फैसिलिटी दे रहा है। तो हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस मस्ट ऑल्सो ऑपरेट एज लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस।
नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट, फॉर द स्पेस टू बी, अच्छा मेरा मतलब स्पेस से यहाँ पे सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स है, सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स. फॉर द स्पेस टू बी एफिशिएंटली, फॉर द स्पेस टू बी एफिशिएंटली कवर्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल एरियाज मस्ट बी सर्व्ड एंड नो प्लेस शुड अरे प्रतीक, ठीक है ठीक है, नेटवर्क इशू तो हम समझ ही सकते हैं. All areas must be served and no place should have duplication of goods and services offered. And for the space to be efficiently covered by goods and services, all areas must be served. सारे एरियाज को सर्व होना जरूरी है, लेकिन डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए वहां पे. इसका क्या मतलब है? अगर दिल्ली में एक एम्स ऑलरेडी है, अरे ठीक है पढ़ना, इट्स ओके. अगर दिल्ली में, ओके ओके प्रतीक कर दे रहे हैं, ये सब लोग लिख लो. तो अभी दोनों लोग आए हैं, इन लोग को बता दे कितना है. तो दिल्ली में अगर एम्स है, तो दिल्ली में एक और एम्स खोलने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो यहाँ पे क्या होगा, डुप्लीकेशन हो जाएगी सर्विसेज की, डुप्लीकेशन हो जाएगी सर्विसेज की. तो मान लीजिए ये सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे मान लो बस सर्विस है, यहाँ पे बस सर्विस है, लेकिन यहाँ तो छूट गया, ये रीजन छूट गया. ऐसे ही मान लो ये रीजन है, बस सर्विस है, यहाँ पे आपने एक और बस सर्विस खोल दी यहाँ पे, तो ये रीजन पे तो डुप्लीकेशन हो गया. इट इज सर्व्ड ट्वाइस. तो ना ये सही है. सो नो बस सर्विस हेयर. तो यही है, फॉर द स्पेस ये सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स टू बी एफिशिएंटली कवर्ड बाय गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल एरियाज मस्ट बी सर्व्ड एंड नो प्लेस हैव डुप्लीकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. लिख लिया सबने? ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, याद रहे क्या है. तो ये देखो अभी तक कितना हो गया है, यहां से शुरू किया है, समरी से शुरू किया है. समरी मैंने लिखाई है, यहां से स्टार्ट किया है. तो ये है 8 पॉइंट्स हैं समरी के, 8 पॉइंट. इसके बाद ये है जनरल. इसके बाद नेसेसरी कंडीशंस में लिखा रहा हूँ, नेसेसरी कंडीशंस. ठीक है, लिखिए इसके आगे. सो ये जो अभी इससे पहले कंडीशन हमने ये लिखी है कि डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, सारे एरियाज को सर्व होना चाहिए. सो फॉर दिस टू हैपन द सेंट्रल प्लेसेस एंड देयर
एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज। तो ये कब पॉसिबल है? जब सेंट्रल प्लेसेस और उनके कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज मस्ट बी अप्रोक्सीमेटेड, मस्ट बी अप्रोक्सीमेटेड एज रेगुलर हेक्सागन्स। समझ में आ रहा है? सर्किल वाला नहीं पूरा कर पाएगा। एंड देयर कॉन्टिन्यूअस लैटिस, एंड देयर कॉन्टिन्यूअस लैटिस। क्योंकि अगर देखो सर्किल लोगे ना तो सर्किल में कुछ रीजन छूट जाएंगे, इक्वली सर्व नहीं हो पाएगा गुड्स एंड सर्विसेज, इक्वली सर्व नहीं हो पाएगा, या फिर डुप्लीकेशन हो जाएगा, डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकला है कि हम लोग क्या मान के चलेंगे कि हेक्सागन बनाते हैं, रेगुलर हेक्सागन्स बनाते हैं। सो सर्किल के बाद सबसे एफिशिएंट यही है, सबसे एफिशिएंट शेप यही है। ये अब बनेंगे ऐसे, अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एरियाज बनाते हैं तो कोई भी दिक्कत अपने को नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, तो तीन बार सर्व हो जा रहा है एक ही जगह, एक ही चीज तीन बार सर्व हो जा रही है यहाँ पे। दीज एरियाज डिड नॉट सर्व बाय ईदर ऑफ देम, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे इट इज सर्व्ड थ्राइस। तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट मारेंगे। मैथमेटिकली भी अगर देखा जाए तो हेक्सागन इज बेस्ट शेप आफ्टर सर्किल। सो अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया है? सो व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ, हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ लिया है? हम लोग ने पढ़ लिया है व्हाई सेंट्रल प्लेस थ्योरी इज अ नॉर्मेटिव थ्योरी, इज अ नॉर्मेटिव थ्योरी। दूसरा, इसके अजम्पशंस पढ़ लिए हम लोग ने। तीसरा, इसके टर्म्स कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हम लोग ने, रेंज, थ्रेशोल्ड, सेंट्रल प्लेस फंक्शन, सेंट्रैलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, ये सब। फिर कंडीशंस पढ़नी, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द सिस्टम, ये आज हम लोग ने पढ़ा। ये चारों बातें अभी तक अपने लेक्चर में हो चुकी हैं। अब हम आपको शुरुआत कराने जा रहे हैं नेस्टिंग पैटर्न की। सो अब सब लोग बहुत ध्यान से समझना बात क्या है। सब लोग अब समझिए बात क्या है। लिख लिया होगा ना सबने? हम ऐसे आपसे जरा बात करें, स्क्रीन को रोके हम। ओके, ठीक है। सो बात यह है कि क्रिस्टोलर ने, ब्लर ब्लर क्यों आ रहा है ये, चलो होगा। क्रिस्टोलर ने बताया है कि आप स्पेस को एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हो। इन्होंने बताया है कोई भी अगर सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स है तो वहां पे तीन मेजर फंक्शन होंगे, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। इसी पे इन्होंने अपने नेस्टिंग पैटर्न दिया है। ये नेस्टिंग पैटर्न क्या है? बताया है कैसे हम कितनी हायरार्कियल लेवल पे वो पर्टिकुलर सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स को बनाए। कल मैंने लेक्चर में एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की इंडिया की दिखाई थी, नेशनल, स्टेट, कैपिटल, डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके जो था ब्लॉक, छह अपने लेयर्स आए थे, वो इंडिया के लिए था, वो इंडिया के लिए था।
तो एडमिनिस्ट्रेटिव वाला हम लोग ने देख लिया था फंक्शन जो था, ऐसे ही इन्होंने तीन फंक्शन बोले, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हेक्सागनल शेप्स बनाएंगे, पैटर्न्स बनाएंगे, नेस्टिंग पैटर्न्स बनाएंगे, जो कि दर्शाएगा कि आपके गिवन स्पेस को एफिशिएंटली यूटिलाइज करने के लिए कितने हायरार्कियल लेवल की जरूरत है। अब हम लोग ये करने जा रहे हैं, अब हम लोग ये करने जा रहे हैं फॉर द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस, हाउ मच ऑफ दी हायरार्कियल लेवल्स आर नीडेड फॉर ईच फंक्शन। अब हम लोग ये करेंगे, तो जब ये कर लेंगे तो आपकी थ्योरी हो जाएगी पूरी। तो इन्होंने जो फंक्शन लिए शहर के कॉम्प्लेक्स के, कितने लिए सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स के, तीन फंक्शन। अच्छा आप लोग बताओ, क्या मात्र यही तीन फंक्शन होते हैं कोई सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में, मात्र यही तीन फंक्शन होते हैं? नो ना, इसी चीज को क्रिटिसिज्म में डालेंगे और इसी चीज को हम लोग आगे देखेंगे। एक भाई साहब थे लॉश, उन्होंने अपनी थ्योरी में इस चीज को मॉडिफाई किया। मोर देन 100 फंक्शन उन्होंने बोले कि होते हैं, लेकिन इन्होंने मात्र तीन चीजें उठाई। लेकिन क्या हम लोग उस हिसाब से इनकी थ्योरी को नेग्लेक्ट कर देंगे? नहीं, क्योंकि वो ऐसा करने वाले पहले शख्स थे जिन्होंने कम से कम शुरुआत करी एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से। बाद में लोग इन्हीं की थ्योरी को मॉडिफाई करने लग गए। हाँ बिल्कुल, ये चीज है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब करने जा रहे हैं नेस्टिंग पैटर्न्स बनाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे और नून रोटी खाएंगे। ठीक है, चलो। ऑलराइट, लिखिए। ऐसे करो, पहले एक पॉइंट लिख लो, उसके बाद लिखो सेटलमेंट नेस्टिंग पैटर्न। पढ़ना आप हो, सेटलमेंट नेस्टिंग पैटर्न कैन बी डेवलप्ड। थैंक यू अपर्णा, अपनी हेल्प करने के लिए उस समय। कैन बी डेवलप्ड फॉर थ्री फंक्शंस, थ्री फंक्शंस। ये तीन फंक्शंस क्या है, अभी जस्ट मैंने बोला। मार्केटिंग, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप लोग साइड हेडिंग डाल सकते हो, नेस्टिंग पैटर्न फॉर मार्केटिंग। अच्छा, आपका काम ही यही है। सही है, ट्रबल शूटिंग, नेस्टिंग पैटर्न फॉर मार्केटिंग, इसको समझते हैं। इसमें लिखिए, इट इज एफिशिएंट, इट इज एफिशिएंट। वाओ ग्रेट, इट इज एफिशिएंट when the lower order central place is located, so कहाँ locate करोगे better marketing के लिए? It is efficient when the lower order central place is located
एट द वर्टिसेस, एट द वर्टिसेस ऑफ द हायर सेंट्रल प्लेस, हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हेक्सागन। अरे सर क्या क्या लिखवा दिया आपने, अरे बहुत आसान है, हमें ये अच्छा लगता है। मेरी मेरे मेरे जो सेशंस चलते हैं, चाहे जूम पे चले चाहे अनअकैडमी पे चले, मतलब उसमें काफी वैरायटी के लोग आते हैं, बहुत वैरायटी के, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई आर्मी में है, कोई नेवी में है, कोई सीए है, कोई कहाँ कंसल्टेंट है, कोई एडवोकेट है, राइट, कोई हाउसवाइफ है, कोई स्टूडेंट है, मतलब बहुत जबरदस्त वैरायटी मेरे में रहती है। तो ये अच्छा लगता है, काफी प्लेटफॉर्म्स के लोग आके इंटरैक्ट करते हैं, अपना अपना बात शेयर करते हैं, तो वो उनका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस, जो बातें होती हैं, हम लोग को भी एनरिच करती हैं, तो ये अच्छा लगता है। हाँ तो हम अपने नाम को सार्थक कर रहे। हाँ, सही है, चलिए इसको समझते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले क्या कह रहा है कि इट इज, हाँ क्या है, नेस्टिंग पैटर्न फॉर मार्केटिंग, इट इज एफिशिएंट। हाँ, इट इज एफिशिएंट, अनुजी आपके सामने एडवोकेट है। इट इज एफिशिएंट व्हेन द लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस इज लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हेक्सागन। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस बनाते हैं। पहले हमें बना लेने दो, फिर बनाना आप लोग, अभी कुछ ना करो, देखते रहोगे। तो ये हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस कॉम्प्लीमेंट्री एरिया है जो कि हेक्सागन है, तो इसको मैं नाम दे देता हूं 1 1 1। अब मुझे क्या करना है, मुझे लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस बैठाना है। मुझे कहां बोला गया है बैठाने को, वर्टिसेस ऑफ द हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस, हायर ऑर्डर के वर्टिसेस पे, यहां पे मैं सेंट्रल प्लेस रखूंगा। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, लगे सेंट्रल प्लेस हायर ऑर्डर का। अब इसका जो वर्टिसेस है वो मेरे लिए लोअर ऑर्डर का सेंट्रल प्लेस बना। ये मैं यहां बैठाऊंगा 2 2। क्या है, लोअर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस, 1 क्या है, हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस। ये हेक्सागन बनाना थोड़ा वो बन गया है, तो यहां पे अगर बैठा है, इसको हेक्सागन ही बनाना, इसको हेक्सागन ही बनाना। ऐसे मैं कहां कहां बैठा सकता हूं, 2 को मैं यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं, यहां बैठा सकता हूं, यहां, यहां, कितने प्लेस पे, 1 2 1 2 3 4 5 6। अब बना लो, ये बना लो। बनाओ अब इसका मैथमेटिकल, वो डिराइव करें हम लोग इसको। हाँ अपने आप वो लॉगिन मेरा हो गया गूगल से, फिर उसने उसको सिंक कर लिया, हो गया। अब पता नहीं जूम में दिक्कत थी कि गूगल में दिक्कत थी कि दोनों में दिक्कत थी, पता नहीं क्या था। अब हम लोग क्या करते हैं,
डिराइव करने की कोशिश करेंगे। तो अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग उसको समझने की कोशिश करना। ये है मेरा हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस, ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, ये है मेरा वन। अब ये इधर भी हो सकता है। फिर अगर बात करी जाए, इसमें जो लोअर ऑर्डर है, अब ये आप लोग जरा गौर से समझिए, मैंने जो अभी ऊपर वाला डायग्राम बनाया है उसमें उसको टिल्ट कर दिया है। ये अगर ये मान के चले ये वर्टिकल है, ऐसे वर्टिकल है, तो यहाँ पे मैंने इसको हॉरिजॉन्टल टिल्ट कर दिया है, राइट। ये आप लोग विजुलाइज कर पा रहे हो इस चीज को, मैंने सीधा सीधा अब मैंने इसको टिल्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पे मैं जो लोअर ऑर्डर बनाने जा रहा हूँ, देखना हो कैसे होगा। दोनों हैं सेम ही, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों हैं सेम ही। और कोई इसमें कुछ नहीं पूछ सकता है कि सर ये ऐसा ही क्यों है, ऐसा ही क्यों है, ये इन्होंने ही ओरिजिनल ऐसे ही माना था। ठीक है लीना, हम बताए आपके टाइप करने पहले ही से हम बता रहे थे कि तुम्हें कोई इतना दिमाग नहीं लगाएगा, बता रहे हैं, कोशिश करते हैं बताने की। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, हायर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, लोअर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। अभी एम्स वाला एग्जांपल समझ में आया था, एम्स वाला। कोई भी सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स होगा, कोई भी सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स, देखो अपना यहाँ पे अपना फोकस क्या है, अपना फोकस ये है कि हम सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स को ऐसे तैयार करें कि सारे लोगों को सुविधाएं भी मिल जाए, डुप्लीकेशन भी ना हो। क्योंकि अगर डुप्लीकेशन होता है किसी भी जगह पे तो हमारा जो रिसोर्सेज है खराब होते हैं। तो अपने को सब सारी जगह सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स में इक्वली सर्व करनी है। उसमें हमें मेरे कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन भी होंगे, मेरे कुछ लोअर ऑर्डर फंक्शन भी होंगे। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मार्केटिंग का कि अगर मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स को डिजाइन किया जाए तो हायर ऑर्डर और लोअर ऑर्डर को हम लोग कहाँ बैठाएंगे वो नेस्टिंग पैटर्न से बताया जाएगा। फिर अभी हम मैथमेटिकल फॉर्मूला से देखेंगे, उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से कितने लेवल होने चाहिए कि एक हायर ऑर्डर कितने लोअर ऑर्डर को सर्व कर सकता है, या एक हायर ऑर्डर में कितने लोअर ऑर्डर समाहित हो सकते हैं। ये है बहरहाल, ये इनका एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। पहली बात तो हेक्सागनल आप हर सिटी को बना ही नहीं सकते हो, हेक्सागनल शेप में आप हर सिटी, हर अर्बन सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स को ऐसे खींच ही नहीं सकते हो, क्योंकि क्योंकि हर हर एक सेटलमेंट कॉम्प्लेक्स सारे फंक्शन नहीं दे सकता है, सारे फंक्शन नहीं दे सकता है। बात यह है, अगर एक मॉल है तो मॉल में भी काफी ऐसी चीजें होंगी जो छोटी दुकानों पे मिल जाएगी लेकिन मॉल में नहीं मिलेगी। हाँ, तो हम लोग यहाँ स्पेसिफिक और स्पेशल काम दोनों एक साथ जोड़ेंगे, ये हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पे स्पेशलिटी भी हो, वहां पे जैसे यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट भी हो, कैंसर ट्रीटमेंट भी हो, और बुखार का भी, हड्डी का भी दर्द को यहाँ पे देखा जा सके। ओके, सो हम ये क्या, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे ये जो वन वाला मैंने बनाया है, ये है आपका हायर ऑर्डर सेंट्रल प्लेस का कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, बड़ा हेक्सागन। और ये जो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, ये है हमारे लोअर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, उसका कुछ पोर्शन मैंने यहाँ बनाया है, उसका कुछ पोर्शन। तो अगर बात करी जाए यहाँ पे, अगर देखो तो ये कितने हायर ऑर्डर से सर्व हो रहा है,
यहाँ पे देखो ये जो लोअर ऑर्डर है कितने हायर ऑर्डर से सर्व हो रहा है, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, मीन्स 1/3, 1/3, 1/3, मीन्स ये जो है ये कितना है, 1/3, ऐसे ही ये कितना होगा, 1/3, ये कितना होगा, 1/3, 1/3, 1/3। तो अगर मैं एक बात बोलूं, इफ ए कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ, इफ कैपिटल ए इज द एरिया ऑफ हायर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया एंड स्मॉल ए इज द एरिया ऑफ लोअर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, देन देन हाँ बस यही चीज है नुज, देन ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू, ये जो पूरा मैंने बनाया है, पूरा खींच दिया जो मैंने पूरा, इसमें देखो ये आ रहा है कैपिटल ए है, ये कैपिटल कैपिटल ए को अगर देखें, ये कैपिटल ए, ये पूरा है, पूरा है, इसको मैं कैसे आपको समझाऊं, कलर चेंज करना पड़ेगा। हायर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया क्या है इसमें पता है, ये पूरा पूरा मतलब स्मॉल वाला भी इंक्लूड करना है मुझे, समझो, मतलब कि स्मॉल वाला भी मैं इंक्लूड करूंगा यहाँ पे। सो ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ एक छोटा वाला भी मैं इंक्लूड करूंगा, मतलब ये जो अंदर वाला है का अंदर वाला भी इंक्लूड करूंगा। ये जो मैंने ड्रॉ किया है दोस्तों, ये अंदर वाला भी स्मॉल ए है, ये अंदर वाला भी स्मॉल ए है, ठीक है। सो ये कुछ होगा 6 × 1/3, ये 6 है ना, 2 वाले जो लिखे हुए हैं, जो 2 वाले लिखे हुए हैं मैंने, 6 हैं, कितना हो गया स्मॉल ए, प्लस 1 वाले का भी स्मॉल ए है, 1 वाले का भी स्मॉल ए है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे लोअर ऑर्डर पूरा ड्रॉ किया हुआ है, लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर ड्रॉ किया हुआ है। सो यहाँ पे ये कितना आया निकल के, 3 आना चाहिए। ओके 2, ठीक है ठीक है, 3 है, हाँ, मीन्स मीन्स ए बाय ए इज इक्वल टू 3। और ये बोला था क्रिस्टोलर ने, एक रेशियो है जिसको बोलते हैं मार्केटिंग प्रिंसिपल। ये जो कैपिटल ए है ये पूरे वाले का है सर्किल, मतलब ये पूरा वाला इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये जो 1 वाला लिखा है ये स्मॉल ए है, इसका एरिया स्मॉल ए है, लोअर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। ये लोअर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया कितने और के साथ शेयर हो रहा है, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, क्योंकि इधर जो होगा, ऐसे मानो, इधर समझो, ये जो इधर होगा ना उसका भी तो स्मॉल ए होगा, अब ऐसे समझो, आई थिंक वहां कंफ्यूजन हो गया होगा कुछ, ऐसे समझो, इनका भी तो स्मॉल ए होगा, इनका भी तो स्मॉल ए होगा, अगर मैं 1 वाले का स्मॉल ए कह रहा हूं, इनका भी तो स्मॉल ए होगा, ठीक है। सो इसका ये कितना शेयर हो रहा है, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3, ये कितने टाइम्स हो गया, 6 टाइम्स हो गया, प्लस इस बड़े कॉम्प्लीमेंट्री एरिया में एक खुद भी तो पूरा का पूरा मिलाया जा रहा है, पूरा समाहित हो रहा है, तो उसको भी हम लोग इंक्लूड करेंगे, इसीलिए ये एक एक्स्ट्रा ए जोड़ा गया, क्योंकि इसके अलावा हम इसको भी इंक्लूड करेंगे उसी हायर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया में, हम देखो हम समझ रहे हैं, कई लोगों को कई तरीके के सवाल दिमाग में आ रहे होंगे, लेकिन अभी मुझे 2 और कंप्लीट कराने दो, तो हो सकता है आपका डाउट क्लियर हो जाए, अभी जस्ट मार्केटिंग का देखा हम लोग ने। सो इतना लिख लिया,
ये फॉर्मूला वगैरह सब हो गया, इसमें एक लाइन लिखो के इज द मार्केटिंग प्रिंसिपल, के इज द मार्केटिंग प्रिंसिपल, जो के वैल्यू है यहां पे मार्केटिंग प्रिंसिपल इस कितना है, के इज इक्वल टू थ्री। तो के इज इक्वल टू थ्री का मतलब क्या हो रहा है, के इज इक्वल टू थ्री का मतलब क्या है, हायर ऑर्डर सर्व्स थ्री लोअर ऑर्डर सेंटर्स, हायर ऑर्डर सर्व्स थ्री लोअर ऑर्डर सेंटर्स, और उल्टा क्या कह सकते हो इसको, उल्टा क्या कह सकते हो, वन लोअर ऑर्डर इज शेयर्ड बाय थ्री हायर ऑर्डर्स। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ये दोनों सेम थिंग है, दोनों बातें एक ही हैं, हायर ऑर्डर सर्व्स थ्री लोअर ऑर्डर सेंटर्स या वन लोअर ऑर्डर इज सर्व्ड बाय थ्री हायर ऑर्डर्स, यही चीज डायग्राम में दिखाया था। नेक्स्ट लिखो नेस्टिंग पैटर्न फॉर ट्रांसपोर्टेशन। देखो कुछ चीजें होती हैं जो एक सर्टेन टाइम पे समझने के बाद उसको रट लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। इस एग्जाम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के जरूरी नहीं है आपको सारे टॉपिक समझ में आए, ये चीज समझो, ये चीज समझो सब लोग। ज्योग्राफी क्या, इस एग्जाम में काफी ऐसी चीजें होंगी जो आपको एक एक लिमिट तक समझने की कोशिश करो, फिर अगर ना समझ में आए तो आगे बढ़ जाओ, उसको वहीं पे रट के आगे बढ़ जाओ, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है, तो आपको रो के गा के कुछ भी करके कंप्लीट करना है। अब आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, एनवायरमेंट इकोलॉजी, ये अच्छे से समझ में आ गई तो इसका ये मतलब नहीं आपको हर एक पार्ट अच्छे से समझ में आता रहे, ये चीज सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, सारे सब्जेक्ट के लिए लागू होती है ये। कोई पोर्शन होता है पॉलिटी का हमें नहीं अच्छा लगता है, लेकिन तब भी हमें अच्छा नहीं लगता है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो वैसे ही ये चीज है, वैसे ही कुछ टॉपिक्स होते हैं जो अपने को एक बार लिख लो, समझ लो, नहीं है तो रट के आगे बढ़ो, रुकना नहीं है कभी। यही चीज है आपकी डिसिप्लिन, हाँ यही है आपकी डिसिप्लिन। देखो ये सब बीच बीच में बोलना हमें जरूरी है, मोटिवेशन आप लोग के लिए इस समय बहुत जरूरी है। सुनो मैं क्या बोलता हूँ, क्लासेस जब भी चलती है तो कोशिश किया करो लाइव आने की, बट अगर लाइव नहीं आ पाते हो तो उसी दिन रिकॉर्डिंग देखा करो। हाँ मेरी साइड से कभी कभी लेट हो जाता है रिकॉर्डिंग डालने में, बट 11 बजे के पहले तक कोशिश करता हूँ मैं अपलोड कर दूं, मतलब ड्राइव पे डाल दें। तो अच्छा छूट भी रही है तो ज्यादा से ज्यादा 2 दिन 3 दिन इससे आगे ना खींचा करो, क्योंकि मटेरियल बढ़ता रहता है, भले हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़े लेकिन वो पाइलअप होता रहता है। सो आपका यहीं पे डिसिप्लिन आता है, डिसिप्लिन, क्योंकि अगर ये फॉलो नहीं करोगे, रिविजन नहीं करोगे तो जो कॉन्सेप्ट है ना वो धीरे धीरे फेड होते जाएंगे और जो कीवर्ड्स हैं उसका मतलब भूलने लग जाओगे। और होता क्या है कि अगर हम लोग लाइव ना देखें या फिर रिकॉर्डिंग ना देखें 2-3 दिन के लिए तो हमने लेथार्जी आ जाती है, हमें थोड़ा फैटीनेस जमा होने लगता है, ठीक है, कि अरे ठीक है हो जाएगा ऐसे फीलिंग आने लगती है। तो जो अपना एंथुजियाज्म है, जो अपना कर्व इतना हाई चल रहा था एक टाइम पे, अब वो नीचे आने लग जाता है। तो डिसिप्लिन क्या कहता है, डिसिप्लिन क्या कहता है कि अगर मान लो मेरे को क्लास करनी है, मैं 2 से 3 घंटा क्लास कर रहा हूँ या 4 घंटा क्लास कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं इतना नहीं दे पा रहा हूँ कोई बात नहीं, मैं एक घंटा दूंगा, थोड़ा सा देख लूंगा, कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इस चीज को जीरो नहीं करूंगा। वो बात अलग है, कोई प्रॉब्लम हो गई है दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जहां तक मेरे से पॉसिबल हो सकता है
मैं कुछ ना कुछ तो डेली का डेली देखूंगा, लिखूंगा, रिवीजन करूंगा। भले मैं अगर बुक पढ़ता हूँ दिन में 3 पन्ने या 4 पन्ने, तो अगर मेरी फीलिंग नहीं आ रही है तो ठीक है, मैं बुक रीड नहीं करूंगा, उसकी जगह मैं एक वीडियो देख लूंगा, करंट अफेयर की वीडियो देख लेते हैं करंट अफेयर की, ऐसे। तो आप लोग समझ रहे हो कि किसी भी दिन को आपको शून्य नहीं करना है, जीरो नहीं करना है किसी दिन को। ये सब लोग अपने अपने लिए जान लो, किसी भी दिन को जीरो नहीं करना है। भले कुछ भी करने का नहीं मन कर रहा है, अपने हैंड रिटन नोट्स उठा लो, उनको ऐसे ही बस पलटते जाओ। बस ये जरूरी है समझना सबको। चलिए सेकंड वाला नेस्टिंग लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस एग्जाम में यही चीज मायने रखती है, मोटिवेशन कंटिन्यू रहना चाहिए। अरे वाह, बहुत बढ़िया अनुज, बहुत बढ़िया। नेस्टिंग पैटर्न फॉर ट्रांसपोर्टेशन। आप पढ़ना सबको, मैंने आज क्लास के पहले ही बोल दिया था, बस ये टॉपिक हम कंप्लीट करा ले, 1 हफ्ते तक आपको लीव देंगे हम, क्योंकि 21 से मुझे नया यूनिट शुरू करना है। दो लोग हैं एक्चुअली, वो ज्वाइन करेंगे, तो मैं 1 हफ्ते तक लीव दूंगा आपको, 21 से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ओके ठीक है, वो आपको 2-3 दिन में, अभी आज ये आज और कल में खत्म हो जाएगा, फिर आपकी ऑफ रहेगा, 21 को स्टार्ट होगा फिर। चलिए नेस्टिंग पैटर्न फॉर ट्रांसपोर्टेशन करो, आज इसको खत्म कराएंगे हम लोग, ये नेस्टिंग वाला खत्म करा दें, बस आप लोग लिखते रहिए, अभी क्लास लंबी थोड़ी खींचेगी। नेस्टिंग पैटर्न फॉर ट्रांसपोर्टेशन, पहले लिखो लोअर ऑर्डर शुड बी, अभी ये कहां इसको लोकेट करेंगे हम लोग, लोअर ऑर्डर शुड बी लोकेटेड एट द, लोअर ऑर्डर को कहां बैठाना हमें पड़ेगा, मिड पॉइंट्स। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है स्पेस को, तो क्या करना होगा, लोअर ऑर्डर शुड बी लोकेटेड एट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ हायर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया हेक्सागन। और दोस्तों आप लोग को याद है उसमें हम लोग ने किस में किया था, वर्टिसेस पे, यहां पे वर्टिसेस पे नहीं बैठाना है, जस्ट रिमेम्बर दिस। तो यहां पे कैसा पैटर्न बनेगा, मिड पे बैठाना है। लोअर ऑर्डर शुड बी लोकेटेड एट द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ हायर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, मिड पे बैठाना है। अब यहां पे हम लोग कैसे बनाएंगे, ये बना, वैसे मैं पूरा नहीं बना रहा हूं हर जगह, बट आप लोग को फील आ जाएगा, ये मैं हाफ हाफ बना रहा हूं यहां पे। ऐसे ही इधर का भी बना सकते हो, इसलिए मैंने इधर हाफ बनाया। तो एक मेन हायर ऑर्डर कैपिटल ए, एरिया ऑफ हायर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया स्मॉल ए,
स्मॉल ए एरिया ऑफ लोअर ऑर्डर, मतलब स्मॉल ए, ये स्मॉल ए है, स्मॉल ए है, स्मॉल ए, फिर ऐसे ही यहाँ पे अगर देखें, ये हाफ ऑफ स्मॉल ए, हाफ ऑफ स्मॉल ए, हाफ ऑफ स्मॉल ए, ऐसे करते करते यहाँ पे भी सब पे हाफ ऑफ स्मॉल ए, ये हाफ एरिया इसका है ना, हाफ एरिया, हाफ एरिया, एरिया ऑफ लोअर ऑर्डर, लोअर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। सो मींस अगर मैथ्स लगाए हम लोग, कैपिटल ए जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन है, पूरा रीजन क्या है इसमें, इसमें स्मॉल ए भी आ रहा है, साथ ही साथ 1/2 ऑफ स्मॉल ए इंटू कितने बार, 6 बार, 6 बार, तो कितना हो गया, 4a, तो यहाँ पे, यहाँ पे a by a is equal to 4 is equal to k। अब थोड़ा समझ में आया a small a का कॉन्सेप्ट, अब फील हुआ होगा थोड़ा। अब पुराना भी आ गया, वही वही वो स्मॉल ए एक्चुअली, वही मैंने कहा था अभी तीनों समझाने तो अपने आप आ जाएगा समझ में। और सही बात भी है, अगर हमें ट्रांसपोर्टेशन को अच्छे से एफिशिएंटली वर्क कराना है तो अपने को, अगर ये मान लो बड़ी सिटी है, इसको प्रॉपर केटर करना है, प्रॉपर केटर करना है, तो अपने को ये एरिया भी इक्वली कवर करना पड़ेगा, ये एरिया भी इक्वली कवर करना पड़ेगा। तो मिड पॉइंट पे बहुत सही है कॉन्सेप्ट, मिड पॉइंट पे बैठाने वाला। तो इसमें के को क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन प्रिंसिपल, के इज इक्वल टू 4। अच्छा एक बात बताओ आप लोग, वन लोअर ऑर्डर इज शेयर्ड बाय डैश हायर ऑर्डर, सोचो सोचो, जो बताएगा उसको 2 रुपए गूगल पे हम मार देंगे। ये देखो ये जो है ये हायर ऑर्डर है, ये पूरा हायर ऑर्डर है, इसमें बीच बीच में लोअर ऑर्डर है, इसमें बीच बीच में लोअर ऑर्डर है, ये जैसे ये है यहाँ पे, ये पूरा लोअर ऑर्डर है, ये देखो ये लोअर ऑर्डर है पूरा। सो दिस लोअर ऑर्डर इज शेयर्ड बाय हाउ मेनी हायर ऑर्डर, देखो इसको बीच में रखो, बताओ इसको कितने लोग शेयर कर रहे हैं, हाँ 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 2। अब कुछ समझ में आया, ये इसको बनाओगे इधर, इट इज शेयर्ड बाय 2 हायर ऑर्डर्स, ये यहां पे ग्लिच था एक, एक ये यहां पे मतलब समझने वाली बात थी, वन लोअर ऑर्डर इज शेयर्ड बाय 2 हायर ऑर्डर्स। बहरहाल इतना कोई वो नहीं है, जितना मैथ उतना तक आप लोग डिराइव कर दो, 4 तक बस, व्हाट इज मोर देन सफिशिएंट। तो बस ऐसे ही था समझने के लिए, नीचे लिखो नेक्स्ट, नेस्टिंग पैटर्न फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, नेस्टिंग पैटर्न फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, लिखिए जल्दी जल्दी। इन एडमिनिस्ट्रेशन
आज हिस्ट्री की क्लास नहीं हो पाई, सब कितना आस लगाए थे इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन डिसीजन मेकिंग। द लोअर ऑर्डर, द लोअर ऑर्डर मस्ट बी। अब एक चीज समझिए, नहीं पढ़ना काफी लेट हो जाएगा, फिर वही है ना, वहां पे बोल दिया तो सब अपने अकॉर्डिंग प्लान कर लिए होंगे सब। बात ये है, इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड इन डिसीजन मेकिंग द लोअर ऑर्डर मस्ट बी एंटायरली विद इन द हायर ऑर्डर कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। अब भैया इसको शेयर नहीं कर सकते हैं, इसको शेयर नहीं कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनुज, इस चीज को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात आती है तो आप शेयर नहीं कर सकते हो लोअर ऑर्डर को, क्योंकि अगर इसमें शेयरिंग करने लग जाओगे तो दूसरे के रीजन में आ जाओगे। समझो ये चीज, एडमिनिस्ट्रेशन में जो रीजन उसके अंडर में है वो वही देखेगा, उसमें शेयरिंग नहीं चलेगी। कि कानपुर वाले को जो है बनारस का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, कानपुर वाले को लखनऊ का एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, कानपुर वाले को इधर बहराइच गोंडा लखीमपुर खीरी उसका एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, ये नहीं हो सकता है। यहाँ शेयरिंग नहीं अलाउड है, वहां तक तो चलो शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे शेयरिंग नहीं कर सकते हो आप। तो सारे के सारे लोअर ऑर्डर कहाँ होंगे, अंदर ही होंगे उसके। तो अब इसका डायग्राम देखो कैसे बनेगा और कैसे इन्होंने बनाया है, इसका डायग्राम देखो इन्होंने कैसे इसको रिप्रेजेंट किया है। तो अभी रुक जाओ, अभी आप लोग ना बनाना, पहले लिख लो थोड़ी बातें। देयर शुड बी नो शेयरिंग, देयर शुड बी नो शेयरिंग द मिनिमम लोअर ऑर्डर्स सेंटर्स, द मिनिमम लोअर ऑर्डर सेंटर्स ऑफ इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, ऑफ इक्वल कॉम्प्लीमेंट्री एरिया दैट कैन बी नेस्ट, दैट कैन बी नेस्ट, नेस्ट मतलब पुट इनसाइड, NEST, nest within the, that can be nest within the higher order complementary area is 7, 7, ये general rule है। आप hexagon में कैसे बैठाओगे देखो, पहले हमें बनाने दो फिर आप लोग बनाना। ये ऐसे ही इन्होंने बताया, यहाँ पे लोअर ऑर्डर को इन्होंने सर्कल से रिप्रेजेंट करा है। तो के इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल कितना आया, 7। यही मैंने बोला था कि इंडिया के केस में इसका हल्का सा डेविएशन लगा है, याद आया, इंडिया के केस में इसका, इसको फॉलो किया गया लेकिन हल्का सा डेविएशन करके, मतलब परफेक्ट नहीं हो पाया है उतना जितना इन्होंने बोला था, लेकिन फॉलो इंडिया में, ये चीज इंडिया में फॉलो होती है। बनाने की कोशिश करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनाना चाहो वैसे बनाओ। ओके ठीक है, तो आज इतना रखते हैं, कल हम इनका,
कल हम इनका क्या करेंगे, इवैल्यूएशन बताएंगे पॉजिटिव नेगेटिव इनकी थ्योरी का, और क्या इन्होंने कंसिडर किया क्या छोड़ दिया। अच्छा आप लोग ने एक चीज देखी, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन को लिया हुआ लेकिन उसमें भी बताया नहीं है कैसा ट्रांसपोर्टेशन, गाड़ी चल रहे हो, जहाज से चल रहे हो, कैसे चल रहे हो। मार्केटिंग में भी बताया नहीं है किसकी मार्केटिंग, पेन की है, बुक की है, फोन की है, लैपटॉप की है, किसकी मार्केटिंग। एडमिनिस्ट्रेशन की भी अगर बात करें तो प्राइवेट बॉडी है कि कॉरपोरेट बॉडी है, ज्वाइंट है, क्या है, कुछ नहीं बताया। अच्छा एक और चीज अगर देखें, इन्होंने अर्बनाइजेशन का जो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट काम था, फंक्शन था, मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग उसको नेग्लेक्ट कर दिया। मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम पे बहुत ज्यादा जगह पे चल रही थी, अर्बनाइज्ड सेंटर में अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं ले रहे हो तो फिर क्या ले रहे हो, उसको भी इन्होंने अपने उसमें नहीं लिया है। तो कल हम लोग देखेंगे इनके पॉजिटिव नेगेटिव और लॉस की थ्योरी, तो इस तरीके से ये खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, अभी बस जो पढ़ाया है वही पढ़ना, राइट, उसी को पढ़ने की कोशिश करिएगा जितना समझाया है, और माजिद हुसैन में भी देख सकते हो ये चीज दी हुई है। ठीक है, सो ऑल राइट, चलते हैं अब, कल मिलेंगे आप लोगों से। ठीक है, बाय 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 बाय।